यह सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं और सिंगर चिराग कोतवाल अपने शहर जम्मू में पहुंच चुके हैं और सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य स्वागत यहां पर उनका किया जा रहा है। लोगों का हजूम भी यहां पर उमड़ चुका है और यहां पर लोग आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने चिराग कोतवाल। ये सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहाँ पर चिराग कोतवाल का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और आज अभी वो, इससे पहले वो एयरपोर्ट पर उतरे थे, इसके बाद वो बाबा वाली माता के मंदिर गए थे माथा टेकने के लिए क्योंकि सेकंड रनर अप जो है वो इंडियन आइडल में आए हैं और अब वो इस वक्त यहाँ पर जो उनका घर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहीं यहीं पर एक इंतज़ाम रखा गया है जहाँ पर इनका भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। चिराग कोतवाल इंडियन आइडल में जब गए थे बहुत सारी आशाएं जो हैं वो जम्मू के लोगों को थी कि अब इस बार तो कहीं ना कहीं इंडियन आइडल में जम्मू का परचम लहराना चाहिए, सिंगर जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं चिराग कोतवाल वो जीत के ज़रूर आने चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर देखिएगा हर कोई उनसे बात करने का इच्छुक है, हर कोई उनसे सेल्फी भी खिंचाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मीडिया की बातचीत जो है लगातार चल रही है। और यहाँ एक तरफ यह और दूसरी तरफ का हुजूम देखिए, यहाँ देखिएगा यहाँ हुजूम देखिए, वेलकम के लिए ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ढोल नगाड़ों से चिराग कोतवाल का यहाँ पर वेलकम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ देखिए इस ओपन जीप में चिराग जो है वो जम्मू पहुँचे हैं, यानी कि एयरपोर्ट से बाबा वाली माता और बाबा वाली माता से यहाँ पर फिलहाल चिराग कोतवाल जो है यहाँ इनका भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। सामने फूलों के हार जो है वो चिराग कोतवाल को गले में पहनाए हुए हैं और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं जो उनके स्कूल के जहाँ पर उन्होंने स्कूलिंग की है वो स्कूल यहाँ पर पहुँचा हुआ है और सभी लोग यहाँ पर फिलहाल जो है उनका स्वागत करते हुए साफ आप देख सकते हैं। चिराग कोतवाल इंडियन आइडल रनर अप सेकंड रनर अप जो है वो रह चुके हैं और अभी उनका स्वागत यहाँ पर फूलों से किया जाएगा। खुशी का माहौल इस वक्त पूरे तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, पूरे तरीके से खुशी जो है वो हर कोई यहाँ पर महसूस कर रहा है, हर कोई उत्साहित है उनसे बात करने के लिए सेल्फी खिंचवाने के लिए और यही वो ट्रॉफी है जो चिराग कोतवाल को मिली है, जीत की खुशी में जो उन्हें सेकंड रनअप की ट्रॉफी मिली है ये वही ट्रॉफी है। और यहाँ देखिए सामने तस्वीरों में चिराग कोतवाल गाड़ी से सामने आते हुए और यहाँ पर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल वो सबसे पहले जब जम्मू एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद वो गए माँ बाबा वाली माता के दर्शनों के लिए, वहाँ पर दर्शन करने के बाद अभी वो यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल यहाँ देखिए फूलों से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है, खुशी का माहौल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और जम्मू में इस वक्त इनका ये पहला स्वागत यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यही वो ट्रॉफी है जो चिराग जो इस वक्त बिल्कुल ठीक आप देख पा रहे हैं स्वागत, यहाँ पर भव्य स्वागत जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, स्कूल के टीचर्स स्कूल के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं सगे संबंधी हैं मोहल्ले के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी लोग फिलहाल यहाँ देखिए चिराग कोतवाल बिल्कुल ठीक हमारे सामने। सामने स्वागत इस वक्त चिराग का किया जा रहा है, चिराग क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है, बहुत 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 मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। टाइटल को जम्मू लाके जब मैं आया हूँ तो 10 गुना ज्यादा खुश हो रही है इसके जीतने जम्मू में। फिलहाल चिराग यहाँ पर सभी लोग इनका इंतजार कर रहे थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर वो पहुंचेंगे और फिलहाल यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखें या हर कोई इनका इंतजार कर रहा था। चिराग क्या कहना चाहेंगे, सेकंड रनर आए हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पहले आप ऐसे होंगे जो इंडियन आइडल में इस तरह से अपना परचम लहरा कर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है, बिकॉज ये आप सब लोगों के प्यार के कारण ही, ये जम्मू कश्मीर के प्यार के कारण और ऑल ओवर इंडिया के प्यार के कारण ही हो पाया है। और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा। एक छोटे से मतलब वैली से आया था मैं, भद्रवाह वैली से, उसको रिप्रेजेंट करके मैं यहाँ पर आया था कि एक छोटा सा मुकाम पाना था अपने सिंगिंग के लिए, उसको एक करियर देना था। बट आज जाके ये ट्रॉफी पाना तो बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल देखिए क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, इंस्पिरेशन से बात करें। देखिए इंस्पिरेशन मेरे जो रहे हैं सिंगिंग वाइज तो लता माँ हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, और मेरे आइडल जो हैं मेरे माता पिता हैं, तो मेरे दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं। वैसे और जो सब लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, वॉच कर रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, मैसेज क्या है? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि या तो उसमें इतना घुस जाइए कि कंसिस्टेंसी रखिए और भगवान देखता रहता है, वो हमेशा आपको उस मेहनत का फल देगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं लोग। मेरा मतलब ये मैंने ये एक ऐसा अनुभव था, मैंने कभी सोचा था कि मैं इतना दूर तक पहुँच पाऊँगा, तो मतलब बहुत बढ़िया रहा सफ़र मेरा। ये आपका अगला मूव क्या होगा? देखिए अगला मूव यही है कि इस जो अब ये जर्नी है, ये एक सफ़र, अभी एक मंजिल मिली है, एक मुकाम आया, इससे आगे और बढ़ना है, एक नई जर्नी शुरू होगी, तो इसमें और घुसना है, और चैलेंजेस आएंगे। अब तो हम ऐसा हो गया कि थोड़ी दूर आ गए हैं, और मतलब अब हम कंप्लीट करेंगे प्लेबैक के साथ, तो थोड़ा अपना एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। यूथ को यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए। चिराग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप सेकंड रनर अप आए हैं इंडियन आइडल में और यहाँ पे आपका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, जो इतना प्यार आप मुझे दे रहे हैं। जब मैं आया था तब भी इतना प्यार दिया है, और अभी जब मैं माता के मंदिर गया वहाँ पर भी लोग मुझसे मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि ये ट्रॉफी जो है ये मेरी नहीं है, ये आप सभी लोगों की, ये पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की, जिसने मुझे प्यार दिया है। चलिए साफ तौर पर खुशी का इजहार यहाँ पर चिराग कर रहे थे, और हर कोई यहाँ पर उत्साहित है। पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए और जम्मू में यहाँ पर स्वागत है, ढोल नगाड़ों से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है, हर कोई सेल्फी यहाँ पर खिंचवा रहा है, एक दीदार करना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उन्हें फूलों से वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है, और यहीं पर उनका पूरा इंतज़ाम किया गया है। और जम्मू में जब एयरपोर्ट पर पहुँचे थे वहाँ पर भी इसी तरीके से भव्य स्वागत जो है वो किया गया था। उसके बाद माँ बावे वाले के वहाँ गए, वहाँ पर दर्शन किए, माँ के आशीर्वाद वहाँ कराए थे, और इंस्पिरेशन जिस तरह से उन्होंने कहा कि माँ बाप हैं, बाकी लोगों का जो एक उत्साह रहता है साथ में जुड़ने का, वो भी इंस्पिरेशन होती है। और अब क्योंकि एक जर्नी चल चुकी है जम्मू कश्मीर से चिराग कोतवाल, खासतौर पर जम्मू रीजन की बात की जाए, भद्रवाह के रहने वाले हैं इस वक्त, जम्मू के तलाबतिलों में ये रहते हैं, और यहीं से उठकर चिराग ने जो एक सपना देखा था सिंगिंग का, जो उन्होंने रियाज किया था, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है, और आज वो उस परचम वहाँ पर वो परचम लहरा के आए हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हर एक जो सिंगर हैं या फिर कोई भी आर्टिस्ट हो, उनका एक सपना रहता है कि वहाँ तक पहुँचने का, वहाँ तक चिराग कोतवाल पहुँचे। और यहाँ देखिएगा यहाँ पर पूरे तरीके से उनका स्वागत जो है वो चल रहा है। यहाँ लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, वो ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं जो चिराग के हाथों में है, और यहाँ पर अब फिलहाल पूरे तरीके से अब आपने सुना भी होगा कि चिराग कोतवाल ने जो बातें कही हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से वो एक छोटी उम्र में उन्होंने ये सपना देख लिया था कि मुझे जो है वो इस तरह से सिंगिंग लाइन में जाना है और उस सपने को पूरा करना है, वो कामयाबी आखिरकार चिराग कोतवाल को मिल गई है, और ये उनकी मेहनत है, उनका जो एक पैशन था वो उन्होंने फॉलो किया, और आज उस पैशन को फॉलो करते हुए उन बुलंदियों तक है जिन तक पहुंचना हर एक यंगस्टर का, हर एक नौजवान का सपना होता है। ज़रूर ऐसे ही लोगों को जो आपके भी बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका भी बहुत सारा पैशन होगा, उनका बहुत सारी लगन होगी किसी ऐसी चीज़ में जाने के लिए, तो चिराग कोतवाल ने भी यही कहा है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ में जाना चाहता है जो आर्ट की फील्ड है, तो उसे ज़रूर प्रोत्साहित करिए, और ज़रूर वो कामयाब होगा, आपकी अगर ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपका साथ रहेगा, तो वो कामयाब ज़रूर होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।